नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए एक बहुत ही सीरियस सच टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसका आंसर ढूंढने की सही तरीके से हम ट्राई करते हैं। एक रियलिटी क्या है स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में कि 80% लोग क्विट कर देते हैं, और वो भी 6 महीने के अंदर, जब से उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की, और उसके बाद का मैं टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे मार्केट में जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट जैसे कुछ चीज ट्राई की, जिन्होंने ट्रेडिंग जैसा कुछ ट्राई किया। सबने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने अपने तरीके से ये स्टॉक मार्केट में एंट्री ली, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो आईपीओ में गए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग किया, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग किया, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग किया, अपने अपने तरीके से, अपने अपनी कैपिटल से, अपने अपने अनुभव से किया। ज्यादातर लोगों का अनुभव और कंक्लूजन ये निकलेगा कि स्टॉक मार्केट में नहीं पढ़ना चाहिए, इंट्राडे में तो नहीं ट्रेड करना चाहिए, वहां पे ये होता है, वो ऐसे हजारों चीज लागू पड़ेगी। मैंने ये दूसरे वीडियो में भी एक चीज बोली हुई है कि यही चीज तो एक्चुअली बिजनेस में भी लागू पड़ती है। 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 80 लोग तो फेल हो ही जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, दुनिया की हर एक फील्ड में लागू पड़ती है। जहां पे कोई चीज क्रिएटिविटी पे आती है, जहां पे कोई चीज पे मेंटल टफनेस की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी चीज अपने कंफर्ट जोन में से बाहर लाके कुछ काम करवा देती है, तो वहां पे तो हर एक जगह पे रेशियो लागू पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एक मिथ मार्केट में वो है कि ज्यादातर लोग सक्सेस नहीं हो पाते, तो ये तो बहुत गलत बात है, वो तो दुनिया के हर एक फील्ड में लागू पड़ता है। क्योंकि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, जब भी कोई नए फील्ड में जाते हैं, जब भी कोई ऐसे फील्ड में जाते हैं कि जहां पे रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे हमको एक अलग माइंडसेट, अलग डिसिप्लिन, अलग सोच चाहिए होती है। जैसे कोई एक्टर बनता है, एक्ट्रेस बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, प्रोड्यूसर बनते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप दिखा के आगे बढ़ते हैं, कैरियर बनाते हैं स्पोर्ट में, दुनिया भर का सेक्रीफाइस चाहिए होता है, क्योंकि हर एक वो सब फील्ड में बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। बिजनेस बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, बहुत बड़ी वेल्थ ये सभी फील्ड से क्रिएट की जा सकती है। तो जब वेल्थ का जहां पे इतना बड़ा स्कोप हो, तो कोई भी फील्ड उस फील्ड में हर एक आने वाले बंदों को सब कुछ नहीं देगी। राइट बंदे को राइट वेल्थ दे के रहेगा वो फील्ड, राइट रिकॉग्निशन दे के रहेगा वो फील्ड, प्रोवाइडेड कि बंदा सही सोच के साथ सही तरीके से उस फील्ड में आगे बढ़े। अगर प्रोसेस को स्किप करना है, शॉर्टकट देखना है, तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहां पे मैं चीज क्या डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका ये डिसाइड करना कि मैं ये छोड़ दूंगा बिकॉज ऑफ रीजन ए बी सी डी, तो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये क्यों गलत है वो सोच। और प्रॉब्लम ये हो रहा है स्टॉक मार्केट में नहीं, एजुकेशन में ले लो, कहीं पे भी, आजकल अच्छे गुरु नहीं रहे, आजकल कोई सिखाने वाला नहीं रहा है। पहले के टाइम में पेरेंट्स होते थे, फिर भी अपने बच्चों को गुरु के पास भेजते थे। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स कोई भी कंडीशन में हो, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिच, कुछ चीजें, कुछ विद्या बोलते हैं ना, ज्ञान, वो हासिल करने के लिए गुरु के पास जाना जरूरी है, कोई प्रोसेस में से, कोई स्ट्रगल में से जाना जरूरी है। अब का टाइम कैसा हो गया, हमारे पास पैसा है, हमारे बच्चों के तो क्या करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी चीज, स्कूल में भी सही गुरु नहीं रहे, सिर्फ टाइटल से टीचर नहीं बना जा सकता, सिर्फ टाइटल से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, सिर्फ टाइटल से लीडर नहीं बन सकते, ठीक है। टीचर का टाइटल मिलना और टीचर होना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 दिन में ये कोर्स करवा देंगे, 1 साल में ये लोग 15,000 फी, 50,000 फी, पर उनको कुछ पड़ी नहीं होती है कि सामने वाले के पर्सनल चैलेंजेस क्या है, वो बंदा कैसे आगे आएगा, उसमें क्या लेके, राइट। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने, ये सब्जेक्टिव वीडियो रहेगा, मैं टाइम पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि कोई लोगों को सब्जेक्टिव वीडियोस पसंद नहीं है, कोई लोगों को थोड़ा वीडियो लंबा चला जाए तो पसंद नहीं है, पर मुझे जिस तरह से सही लगता है उस तरह से वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। मेरा प्राइम एम ये है कि लोगों को गाइड करना, ठीक है। तो ये जो विजन होता है उसमें मैं छोटी छोटी चीजों पर फिर फोकस नहीं करता। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम में टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए, उनको मैंने 2-3 इमेजेस डाली थी, मैं फिर से वो इमेजेस यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
कोई भी फील्ड में एक लर्निंग कर्व होता है, वो लर्निंग कर्व को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कई बार फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आइए एक नॉर्मल कर्व देखते हैं। ये क्या बोला गया कि बिगिनर्स लक, कई बार ये होता ही है, नए नए ट्रेडर्स आते हैं, प्रॉफिट होना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बिगिनर्स लक। फिर क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रॉफिट नहीं हो पाता, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है ही कि वहां पे आपको थोड़े टाइम प्रॉफिट अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि मार्केट इस तरह से चलता है, थोड़े दिन हो ही जाएगा। फिर जब वो लॉस आएगा ना, तब थोड़ा माइंड को अफेक्ट होगा, और कई बार तो यही पहला ही लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, कैपिटल आधी वाइप आउट हो जाती है, कुछ लोगों की तो पूरी वाइप आउट हो जाती है। ठीक है, दूसरा कि एक ये फेज आता है जहां पे कोई बंदा ऐसा स्टार्ट करता है कि नहीं भाई, मैं तो सही तरीके से लर्न करूंगा, मुझे पता चला मेरे में क्या कमी, एक रिफ्लेक्शन का पॉइंट आता है। फिर बंदा अपने लिए सब कुछ डिसाइड करता है और फिर आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये फेज है ना, उसमें 70-80% निकल जाते हैं। उनको क्या चाहिए, आज सोचा कि क्रिकेट खेलना है, कल मास्टर होने चाहिए, बस। जो एक फेज होता है उसको थ्रू जाना पड़ता है, वहां पे हम रेडी नहीं होते हैं। एक और मैं बताता हूं, ये इस तरह से लर्निंग का हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर यहां से गिव अप करते हैं, दे आर जस्ट ऑन द वे टू बिकम अ वेरी सीरियस ट्रेडर, और दे आर जस्ट ऑन द वे टू मेक अ वेरी ग्रेट वेल्थ। वेल्थ बनाते बनाते रहेंगे, ऐसा होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो न्यू ट्रेडर होता है ना, मेरे लिए जो न्यू ट्रेडर होता है ना, उसको 25-30% बाय डिफॉल्ट स्टॉक मार्केट में हासिल ही होती है। अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस आ जाए ना, तो वही चीज में मैं 20% रिमूव कर देता हूं। तो ये तो हर एक बंद बाय, आपके पास 50% तो सक्सेस ऐसे ही आई है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मार्केट इस तरह से चलता है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये बार बार दो तीन चीजों का एग्जाम्पल लूंगा। जैसे आप मूवी के एक डायरेक्टर हो या तो आप क्रिकेटर हो, तो बैट्समैन तो हर एक बंदा होता है, हर एक को, किसी को फील्डिंग करनी थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़े बहुत रन तो हर एक बंदा मांग लेगा, 30-40% तो ठीक है, ठीक है, एवरेज तक भी बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। आगे आने के लिए सिर्फ नॉलेज और टेक्निक्स काफी नहीं होते, बाद में आते हैं माइंड गेम्स, जो हमारा माइंड हमारे साथ गेम प्ले करता रहता है, उसको हम कैसे ट्रेन करें, उसको हम कैसे सुधारें। पेशेंस, टॉलरेंस, इमोशंस, इसके बारे में कहीं पे कोई कुछ नहीं बोलता, कोई ट्रेनिंग नहीं देता, कोई बोलता भी नहीं है कि हाँ आपने 50,000 रुपये भरे, स्टॉक मार्केट में 50 सर्टिफिकेट हासिल कर लिए, पर सर आपके आप में पेशेंस जैसी चीज नहीं है, आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा सर, ऐसा कोई नहीं बोलता। रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या, कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, कोई पत्थर आए, हम गिरने से बचे, हमने पीछे मुड़ के देखा पत्थर था, तो पूरी लाइफ ध्यान में रखेंगे कि हाँ रास्ते पे चलो तो पत्थर आ सकता है, तो ध्यान रखो कि गिरे नहीं। तो स्टॉक मार्केट में जब मिस्टेक्स होती है तो रिफ्लेक्ट करो, बिजनेस में जब मिस्टेक होती है तो रिफ्लेक्शन का पॉइंट आता है कि क्या नहीं करना है, बहुत जरूरी है लाइफ में ये सीखना कि क्या नहीं करना है, बाद में हम वही चीज इंप्लीमेंट करके रियलाइज करते हैं। प्रैक्टिकली रियलाइजेशन, 5,000 स्ट्रेटेजी सीख ली, 10,000 वीडियोस देख लिए, 1,00,000 बुक पढ़ ली, पर यार कम से कम 400-500 रियल ट्रेड तो करो आप लोग अपनी लाइफ में। ये कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर नहीं बताएगा कि पहले 300-400 ट्रेड करो, प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करो, अपने आप को टेस्ट करो, देखो कि जब आप लॉस कर रहे हो तो दूसरे दिन इमोशन कैसे थे, प्रॉफिट कर रहे हो तो दूसरे दिन कैसे इमोशन थे। रियलिटी तो ये होती है कि हर एक मिडिल क्लास वाला बंदा बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए, पर अगर पैसे आ भी गए तो वो पैसे को कैसे मैनेज करना वो भी पता नहीं होता है। कई लोग प्रॉफिट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये तो एक बहुत ही स्ट्रेंज प्रॉब्लम होता है, वो लोग हमेशा उनका माइंड लॉस की तरफ ही रिडायरेक्ट करवा देता है, प्रॉफिट होते हैं तो भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते।
तो कहीं पे कोई इसके बारे में बुक नहीं लिखता, वीडियो क्रिएट नहीं करता कि प्रॉफिट को कैसे डाइजेस्ट क्रिएट करें। एवरीबडी इज आफ्टर अनदर थिंग्स। फिर आता है हर एक खामी को पहचान के उसको एक्सेप्ट करके उसको रियलाइज करके इंप्लीमेंट करो। ये जर्नी सिर्फ ट्रेडर की नहीं है, दुनिया के हर एक बिजनेसमैन की, दुनिया के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की होती है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में वेल्थ बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है, पर जो लोगों के ओपिनियन होते हैं वो ओपिनियन उनके खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं, वो कितना सही है गलत है आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर कोई क्रिकेटर है वो ऐसा सोच के बैठ जाए कि 80% लोगों को तो सक्सेस नहीं मिलती, ये तो गलत है, तो कोई एक इनोवेटर है वो बोले आज तक ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हुई, दुनिया में तो 7 बिलियन लोग है, तो दूसरे की सक्सेस रेट पे अपना सक्सेस रेट निकालना ये तो बहुत ही खराब आदत है। खुद में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि कुछ चीजें टेस्ट करे, उसको सही तरह से सीखे। हर एक फील्ड का एक सही तरीका होता है, सही सोच होती है, कोई चीज डिफिकल्ट या हार्ड नहीं होती। तो ये बात बहुत ध्यान में रखना, अगर मास्टर होना है ट्रेडिंग में या तो स्टॉक मार्केट में, अभी मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो मैंने कुछ चीज लिखी है कि एबिलिटी टू क्रिएट अ लॉस मैनेजमेंट सिस्टम। लॉस मैनेजमेंट सिस्टम तो होना ही चाहिए, इसका भी मैंने वीडियो बनाया, देख लेना कि लॉस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी है। एबिलिटी टू हैंडल एंड मैनेज प्रॉफिट, मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे स्टॉक मार्केट में से वेल्थ कमानी है, पर आपका मनी के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो भी बहुत मैटर करता है। काफी लोग मनी को हैंडल करने के लिए बहुत उनको टाइम लग जाता है कि प्रॉफिट हुआ, 1 लाख को एक्सेप्ट करो, 5 लाख को एक्सेप्ट करो, 10 लाख को एक्सेप्ट करो, वो उतना सोच ही नहीं सकते, वहां तक जा ही नहीं सकते मेंटली, उनका दिमाग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस वहीं तक कि मैं इतना बन जाए इनफ है, इतना इनकम आ जाए इनफ है। देखो वेल्थ आप जब करते हो ना तो एज ए सैलराइड पर्सन मत सोचो, वेल्थ इस तरह से नहीं बनेगी, उसको भी स्कोप देना पड़ेगा। जिस तरह से आप सैलरी और में सोचते हो, जिस तरह से आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सोचते हो, जिस तरह से आप मंथली इनकम सोचते हो, वेल्थ उस तरह से नहीं बनती। वेल्थ का ये सब छोटी मोटी चीजों का कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉफिट के बारे में सोचो तो उस तरह से सोचो कि इसको बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि यस आई एम ओपन फॉर प्रॉफिट और मैं इतना कमाना चाहता हूं, इस तरीके से कमाना चाहता हूं, मेरी कैपिटल पे इतना रिटर्न मिलना चाहिए और वो रिटर्न मिलने के लिए क्या सेटअप होना चाहिए वो मैं लर्न करूंगा, उस तरीके से अपने आप को तैयार करूंगा। प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, इमोशन न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज सिर्फ आउटकम है और कुछ भी तो नहीं है। हर एक बिजनेस में होता है, हर एक गेम में ही होता है। तो जीत गए तो आ गए स्टेज पे, हार गए तो नीचे बैठ गए, ऐसा नहीं। अपनी तो मेहनत, अपना तो सेटअप, अपना तो सब कुछ सेम ही होना चाहिए, तभी तो इमोशन होता है। लॉस आ गया तो दूसरे दिन के ट्रेड में वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉफिट आ गया तो 100 क्वांटिटी और उठा ली, उस तरीके से नहीं होता है। दूसरा होता है कि अगर बहुत सीरियस ट्रेडर बनना है तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि रेंज बाउंड मार्केट, फ्लक्चुएटिंग मार्केट और बोरिंग मार्केट, ये तीनों मार्केट में आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो, या तो सबसे कम लॉस में बाहर आ सकते हो। क्योंकि अगर मैं मंथली के 20 डेज गिन लूं समझने के लिए, तो 5 दिन तो अच्छे ही आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, फिर 5 दिन थोड़े अच्छे आएंगे, फिर 5 दिन बुरे आएंगे और 5 दिन बहुत बुरे आएंगे, ठीक है। तो हमको जो रफ एनवायरमेंट है वहां पे अपनी तैयारी, मैं तो ये कहता हूं कि जिनको भी ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल करना चाहिए 90% अपना टाइम अपने आप को रेंज बाउंड मार्केट के लिए, फ्लक्चुएटिंग मार्केट के लिए और बोरिंग मार्केट के लिए तैयार करो। आप अपने लॉस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करो, प्रॉफिट डाइजेस्ट करने की एबिलिटी क्रिएट करो, इमोशन को न्यूट्रलाइज रखो, ये 4 चीज कर ली ना तो आपको वेल्थ बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इस चीज पे फॉलो करो तो आपको कभी भी क्विट करने की जरूरत नहीं है। पर स्टॉक मार्केट को
एक रेडीमेड स्टोर की तरह लिया, एक रेस्टोरेंट की तरह लिया, और ट्राई करने के लिए लिया, शॉर्टकट करने के लिए लिया, गैम्बल करने के लिए लिया, तो गए काम से, तो आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं है। पर हाँ, सही तरीके से समझ के बहुत बड़ी गेम खेलनी हो तो आ सकते हो, तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। जिस चीज को जिस तरह से है उस तरह से उसको उसके साथ डील करना चाहिए। अपनी सोच अपना ओपिनियन थोड़ी देर साइड में अगर रख दो तो बहुत अच्छा होगा। प्रॉब्लम ये होता है, लोग क्या होते हैं पता है, कोई सीए होता है, कोई बैंक एग्जीक्यूटिव होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, हर एक बंदा अपनी सोच लेके चाहता है कि उसकी जो सोच सही हो। मुझे तो लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग हार जाते हैं उनके पीछे उनका एक खुद का ईगो और उनका खुद का एक माइंडसेट होता है, वही हराता है, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करने में ही वो कभी भी जान ही नहीं पाता कि मार्केट क्या है। शायद मार्केट का भी कोई ईगो है जो तुम्हारे सब तुम आपसे भी बहुत बड़ा है, शायद मार्केट का भी माइंड है जो आपसे ही बहुत बड़ा है, तो अपना ईगो लेके मत जाओ। इसके लिए मैं हर बार बोलता रहता हूँ, मैं एलिफेंट, उसके सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, लायन थियरी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तुम कौन हो क्या हो। तो बहुत ब्रेवरी चाहिए होती है, बहुत करेज चाहिए होता है कि अपना खुद का इंटेलिजेंस, अपनी खुद की सोच, अपना खुद का ईगो थोड़ा घर के बाहर छोड़ आए हम, थोड़ा हमारी ऑफिस के बाहर छोड़ के आए हम, बाद में हम मार्केट में एंट्री ले तो कुछ हो सकता है। पर नहीं, हमारी सोच, हमारा जो ईगो, हमारा जो थिंकिंग, वो सभी मिक्स करके फिर हम चाहते हैं कि हमें कोई पैसा दे दे, तो वैसे तो कोई भी फील्ड में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखो तो आपको कभी भी कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो सकता है कि भाई कोई इंसान इन्वेस्टमेंट अच्छा कर लेता हो, कोई इंसान ट्रेडिंग अच्छा कर लेता हो, दैट इज़ पॉसिबल, दैट्स ओके, वो हो सकता है, अरे कि अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। पर मार्केट जैसा है उसको उस तरीके से लो जैसा होती है कि दुनिया ऐसे ही चलने वाली, तो मार्केट ऐसे ही चलेगा। अब आपको ढालना है, आप ढल गए तो वेव राइड कर करके प्रॉफिट कमा लोगे, उसके अगेंस्ट में गए तो डूब जाएगी बोट। तो ये एक बहुत ही सीरियस चीज है। अगर इसमें से सिर्फ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सिर्फ 50-100 लोगों ने अच्छा सीख लिया और लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो उनको तो वेल्थ कोई बनाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसा कोई सिखाता नहीं है। तो मैं प्राउड नहीं ले रहा हूँ, पर जब सही चीज़ आती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई सीखो, इस पर ध्यान दो। तो ये वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि पैसा तो बनेगा कहीं, बहुत ही जेन्यून है, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम्स चालू किए हैं, कुछ सीरियस प्रोग्राम है जो टेलीग्राम से चढ़ते हुए हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टर, मोस्ट वेलकम, इंट्राडे के लिए सब कुछ सीख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, डेल टेलीग्राम के थ्रू हैंडल होता है। ईयर की फीस सिर्फ 1000 रुपये है, GST में लगे 1100 से। बैंक निफ्टी, निफ्टी मास्टर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, दूसरे प्रोग्राम धीरे धीरे हम लोग लाइव कर रहे हैं, पर सीरियस माइंडसेट हो तभी ज्वाइन करना, ठीक है दोस्तों। दूसरा ये है कि स्ट्रेटजी मास्टर जिसको सीखना हो वो सीख सकते हो, पर बहुत पेशेंस चाहिए प्रोग्राम। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के पास पेशेंस नहीं है, 50 स्ट्रेटजी सिखा दो, 10 स्ट्रेटजी सिखा दो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इस तरह से नहीं जा सकते। सीरियस माइंडसेट और पेशेंस होना चाहिए। स्ट्रेटजी सीखो, एग्जीक्यूट करो, उसके बारे में फीडबैक दो, पूरे एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा आपको। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये ईमेल एड्रेस है। काफ़ी सारे इंडिया में से मैसेज आते हैं तो कई बार बहुत देर लग जाती है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो थोड़ा पेशेंस रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग आगे बढ़े, आपका फैमिली आगे बढ़े, मेरी तो दुआ है बस यही है। थैंक यू सो मच, विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू।